हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन की स्थिति क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सिक्योर्ड लोन है, कैसे ये हम जज करेंगे कि ये सिक्योर्ड लोन है ये अनसिक्योर्ड लोन है। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन जो भी होता है ना, वो आप अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से लेते हैं, ठीक है। उसमें कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं होती है कि आप रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, उसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। और जब सिक्योर्ड लोन की बात आती है तो आप बैंक के पास जाते हैं या किसी बहुत बड़े फाइनेंस कंपनी के पास जाएंगे, तो वहां पर वो सिक्योरिटी की गारंटी लिखवाएगा, एक तो गारंटर बनवाएगा एक लोगों को लोन जब देगा तो, और दूसरी आपका कुछ ऐसा जो जमीन है या फिर आपका जो कारोबार है या फिर आपका कुछ निजी संपत्ति को जो है गिरवी रखवाते हैं लोग, तो वो कहलाता है सिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री कैसे पास करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं मैं, ये चीज मैं प्राइम में ही दिखाता हूं, आप इसे ईआरपी 9 में भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, आसानी से हो भी जाएगा, ठीक है। तो पहला काम तो आप ये कर लीजिएगा कि यहां पर जो है एक लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे टैली प्राइम या ईआरपी 9 जो भी आप यूज करते हैं वो ओपन होगा, तो यहां पर एक लेजर बनाना है। तो यहां पर फिलहाल मैं यहां पे एजुकेशनल मोड में इन हो जाता हूं और यहां पर आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि हम लोन रिसीव कर रहे हैं तो F6 वाले में आ जाएंगे। और ये हम हैं अभी सिंगल एंट्री मोड में, ठीक है, ये सिंगल एंट्री मोड में है। हम लोन कहां पे रिसीव कर रहे हैं, कौन से बैंक में रिसीव कर रहे हैं, वो बैंक का नाम यहां पर आएगा। तो जो भी यहां पे बैंक का नाम है, जैसे मान लीजिए यहां पे कर देता हूं मैं स्टेट बैंक, स्टेट STATE स्टेट बैंक ऑफ इंडिया INDIA, तो ये हो गया, एंटर करेंगे। यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अंडर बैंक अकाउंट डालेंगे, क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट। और यहां पर आपका बैंक अकाउंट का नंबर आएगा, जो भी नंबर हो वो नंबर डाल करके और फिर आगे बढ़िएगा और फिर बाकी सारी डिटेल्स भरते जाइएगा। और यहां पे चेकबुक आपके पास है तो चेकबुक आप चाहे तो इशू कर सकते हैं, फिलहाल छोड़ते हैं इसको, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सारी डिटेल भरते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो अब लोन मिल किससे रहा है आपको, तो लोन मिल रहा है राम से, ठीक है। तो यहां RAM राम लिख देता हूं। और राम का जो जो है टाइप होगा, मतलब आप अंडर किसके डालेंगे, तो यहां पर अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, क्या डालेंगे, क्योंकि इन्हीं से लोन हमें अनसिक्योर्ड प्राप्त हो रहा है। और सबसे अच्छा मीडियम होता है कि आप अपने खाते में लोन लें और खाते से ही पेमेंट करें, ठीक है। तो यहां पर ये अनसिक्योर्ड लोन हो गया, ठीक है। बाकी यहां पर एंटर करके बाकी सारी डिटेल भरते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो यहां पर राम से कितने रुपए लोन आपको मिल रहा है वो चीज जो है यहां पर आप डाल दीजिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है, तो यहां 5 लाख हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये 5 लाख आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आएंगे, ठीक है, और यहां पर जाकर के इसे एंटर करेंगे और बाकी चेक नंबर वगैरह जो भी है आप यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूं और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये आपकी लोन की रिसीविंग की एंट्री हो गई, यानी लोन रिसीव करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप इसे बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हैं कि आपके बैंक खाते में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन एंड लाइबिलिटी पे आए। और जैसे ही अनसिक्योर्ड लोन की बात करते हैं तो यहां देखिए अनसिक्योर्ड लोन जो है एक तो राम सिंह वाला दिखा रहा है और एक राम वाला दिखा, तो हमारा राम वाला है। और यहां देखिए 5 लाख रुपए लोन की जो है यहां पे पूरा डिटेल जो है आप निकाल सकते हैं कि कितना आपका लोन का यानी लाइबिलिटी आपकी कितनी है। तो ये कहां पर जाके दिखा रहा है, ये लोन एंड लाइबिलिटी में दिखा रहा है, देख रहे हैं, ये लोन एंड लाइबिलिटी में दिखाएगा। तो ये इस तरीके से आप अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री पास कर सकते हैं टैली प्राइम में, या ईआरपी 9 में भी सेम तरीका है, आप ईआरपी 9 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।